स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके हिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के बारे में हमारे दो वीडियो और पहले से बन चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके रिस्पॉन्सेज से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है और इसीलिए हम अपना ये तीसरा वीडियो उस चैप्टर के बारे में बना रहे हैं। इसमें जहां जहां मेन पॉइंट्स हैं वहां वहां अंडरलाइन किया गया है, आप उस पर ध्यान देंगे और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सुनेंगे क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आने वाले हैं। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें ताकि हम उसको देखकर आपकी आवश्यकता को समझ सकें और उस हिसाब से अपना अगला वीडियो बना सकें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जाति का राजनीति पर प्रभाव। शुरू करते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाती है और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। यानी कि हम इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाती है, उसका असर राजनीति पर हो जाता है और सामाजिक न्याय के आवरण के तले राजनीति का दिशा निर्धारण भी जाति के आधार पर होने लगता है। भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे अवधारणाओं में हम जरूर परिचित होंगे। 70 के दशक में भारतीय समाज में दलितों के पीड़ा का मार्मिक व्याख्यान महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल की इन कविताओं में अंतर्निहित है। ध्यान देंगे, यह नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल, इन्होंने जो कविता लिखी है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस कविता के दो चार पंक्तियां आ जाएं और कहा जाए कि किसने लिखा है। तो इस कविता को पढ़ना मुझे यहाँ नहीं लगता जरूरी है, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे, दो चार पंक्तियां याद जरूर कर लेंगे क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आ जाए। इस कविता में शोषितों और पीड़ितों के दुर्दशा के बारे में चर्चा की गई है और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हमारे जो समाज का स्वरूप था आज से कई दशक पहले, वह किस प्रकार का था और किस तरह से हमारे यहाँ उन जातियों का शोषण होता था जिन्हें हम पिछड़ा कह करके संबोधित किया करते थे। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस कविता के बाद 70 के दशक की यह कविता कमोबेश संपूर्ण भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तथा यह बताता है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीति से कोसों दूर थी। आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि दलित जातियों को किस प्रकार से राजनीति से, सत्ता से दूर रखा गया था। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। यानी कि 70 के दशक के पूर्व जो भारत की राजनीति थी वह सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व था। याद रखेंगे, 1967 तक माना जाता है कि राजनीति में सवर्ण वर्ग का वर्चस्व था। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों में सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चला, ये भी याद रखें। 70 से 90 के दशक के बीच संघर्ष चला सत्ता पर कब्जा करने के लिए। 90 दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रहीं और नीतियों को प्रभावित करती रहीं। यानी कि जो एक्टिविटीज, जो आंदोलन, जो संघर्ष दलितों ने और शोषितों ने किया, उसका असर राजनीतिक गलियारों में दिखना शुरू हो गया। भारतीय राजनीति में इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा और राजनीति में इन पिछड़े और दलितों का संघर्ष असर दिखाता रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों, बिहार के संदर्भ में यह जो चर्चा हो रही है यह बिहार के संदर्भ में हो रही है, तो यह बता रहा है कि आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। यानी कि आज राजनीति में सत्ता दलितों और महादलितों के हाथों में जाती दिख रही है। सरकार की नीतियों
के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। आज हमारी सरकार दलित उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की राजनीति का कमोबेश यही सूरत रही है। विश्व के संपूर्ण राजनीति की बात अगर की जाए तो संपूर्ण विश्व में जाति का असर धीरे धीरे राजनीति में दिखना शुरू हो गया है। राजनीति दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति हो करने लगती है। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है, यानी कि जो भी राजनीतिक दल है वह समाज में मौजूद इस सामाजिक विभाजन को राजनीति से लगते हैं जोड़ने, और इस तरह सामाजिक विभाजन जो हमारे समाज में विद्यमान है वह हमारे राजनीतिक विभाजन के रूप में दृष्टिगोचर होने लगती है, दिखने लगती है। अगर विभिन्न संघर्षरत तत्वों के बीच राजनीति सामंजस्य स्थापित नहीं किए जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी संघर्षरत ग्रुप है, समुदाय है, अगर उनके बीच राजनीतिक सामंजस्य न बनाया जाए तो देश का विघटन हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लें, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है और ये ईसाई दो प्रमुख पंथ में बुरी तरह बटे हुए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, जो चर्चा आप जानते हैं। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है जबकि 54% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड में 53% जो है वो आबादी प्रोटेस्टेंट है और 44% जो है वह रोमन कैथोलिक हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करती है नेशनलिस्ट पार्टियां। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य से के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बाहुल्य है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं इन प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा, यहाँ 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो कहता है यहाँ पे कि प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, तो ध्यान रखें कि प्रोटेस्टेंट लोगों के प्रतिनिधित्व की बात अगर की जाए तो आपके साथ यूनियनिस्ट पार्टियों का नाम आपको याद होना चाहिए, और अगर कैथोलिकों के प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो नेशनलिस्ट पार्टियों की चर्चा वहां की जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि दो पार्टियां मुख्य रूप से सामने आती हैं उत्तरी आयरलैंड में, एक है नेशनलिस्ट पार्टियां और एक है यूनियनिस्ट पार्टियां। तो यहां जो दो समुदाय हैं वह अपने अपने समुदाय के साथ मिलने के लिए बेचैन है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य मिलाने के लिए कैथोलिक लोगों का एक समुदाय सामने आता है, जबकि जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वह चाहते हैं ब्रिटेन के साथ मिलना, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट है। यूनियनिस्ट एवं नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात स्वीकार की। ध्यान रखेंगे 1998 में दोनों पक्षों में, नेशनलिस्टों में और यूनियनिस्टों में, समझौता हुआ ब्रिटेन की सरकार के साथ और हिंसक आंदोलन बंद हो गए। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। ध्यान से बात समझिए, यूगोस्लाविया में जिस तरह उत्तरी आयरलैंड में समझौता हो गया 1998 में, उस तरह की स्थिति यूगोस्लाविया में नहीं आई। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर राजनीतिक होड़ शुरू हो गई और यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती रहती है। हर समाज में, हर देश में सामाजिक विभाजन है और ऐसे जो विभाजन है सामाजिक, वह राजनीतिक विभाजन का रूप भी अख्तियार करते रहते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। स्पष्ट रूप से आप इसको समझते होंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए
सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना स्वाभाविक है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इस कड़ी का हिस्सा है। जो भी सरकार है वह उसकी नीतियों में इस बात का ध्यान रखती है कि अलग अलग समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और उनकी उचित मांगों को पूरा किया जाए और उनकी उचित जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बने। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। जितने भी देश, अधिकांश देश आप देखते हैं, उन देशों में मतदान के स्वरूप में और सामाजिक विभाजनों के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। कई पार्टियां अपने समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होता। कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने समुदायों के हित पर विशेष ध्यान देती हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखती हैं कि ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे देश का विखंडन हो जाए। ये अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने समझा कि सामाजिक विभाजन का असर राजनीति पर पड़ता है और जातियों का असर राजनीति पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ दे रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सामाजिक विभाजन के तीन निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। इसको जरा समझेंगे हम ठीक से कि हर व्यक्ति अपनी पहचान, अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी कहां तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति राष्ट्रीय चेतना के आधार पर एक देश के नागरिक रूप में पहचाना जाता है, जबकि उपराष्ट्रीय चेतना अगर है तो इस आधार पर वह अपनी पहचान अपने राज्य के नागरिक रूप में चाहता है, और अगर स्थानीय चेतना की बात की जाए तो व्यक्ति अपनी पहचान अपने स्थानीय निवास स्थान के आधार पर जाना जाना चाहता है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। मतलब अगर आपकी मल्टीपल आइडेंटिटी है, आपकी कई पहचान है राष्ट्र के नागरिक के रूप में, राज्य के नागरिक के रूप में, या अपने स्थान के स्थानीय क्षेत्र के नागरिक के रूप में, और अगर आप या कोई व्यक्ति अपनी एक पहचान को बाकी पहचानों के ऊपर थोपना शुरू कर दे और ये स्थिति और उग्र हो जाए तो इससे समाज में असंतुलन पैदा होता है। उदाहरणार्थ, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा। उत्तरी आयरलैंड में जब तक लोग अपने आप को एक समुदाय केवल समझे कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, हमको बाकी लोगों से क्या मतलब, और एक समुदाय समझे कि हम कैथोलिक हैं, हमको बाकी से क्या मतलब, तब तक उनको अपने हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने से कोई नहीं रुक पाएगा। फिर जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, असम असमियों का, गुजरात गुजरातियों का की भावना का दमन नहीं होगा, तब तक भारत की अखंडता, एकता तथा सामंजस्य खतरा में रहेगा। यानी कि हम अपनी पहचान अपने राज्य के नागरिक के रूप में अपने क्षेत्रीय आधार पर अगर चाहते हो और अपने देश के बारे में ना सोचें, अपनी पहचान एक भारत के नागरिक के रूप में ना चाहें, तब तक हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा बना रहेगा। अतः उचित यही है कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपने अपने मर्यादा में रहें और एक दूसरे के सीमा में दखल न दें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर लोग अपने बहुस्तरीय मल्टीपल आइडेंटिटीज पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती। उदाहरण स्वरूप, बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच और जर्मन बोलते हैं। आपने देखा कि बेल्जियम में किस तरह के शासन का स्वरूप सामने आया, कितना ही इनोवेटिव तरीका उन्होंने अपनाया, कितनी अच्छी तकनीक उन्होंने लगाई, और हर भाषा समुदाय के लोगों का सम्मान करते हुए अपनी पहचान एक भाषा समुदाय तक सीमित न रखते हुए उन लोगों ने अपने आप को एक देश के नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया और पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नजर रखते हैं। भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक
सर्वप्रथम अपने को भारतीय मानते हैं, तभी तो हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है। बिल्कुल सही है, हमारे देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी वे सभी अपने क्षेत्रीय अंतर को भूलकर, अपने भाषाई अंतर को भूलकर अपने आप को एक देश का नागरिक मानते हैं, और यही कारण है कि हमारा देश एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन रहा वो रहा, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व के सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होता है। द्वितीय दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किस समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति अपनी पहचान अगर एक देश के नागरिक के रूप में चाहता हो, लेकिन राजनीतिक दल किसी विशेष समुदाय या क्षेत्र के लोगों की मांग को किस तरह उठाते हैं, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यह भी तय करता है कि राजनीति पर जाति का क्या असर होने वाला है। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। ऊपर लिखित वृत्तांत से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार 70 के दशक के पूर्व का राजनीतिक स्वरूप तथा 80 एवं 90 के दशक के में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हुआ, और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। आप देख सकते हैं कि अगर संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है, अगर कोई समुदाय ऐसी मांग करे जो मांग दूसरे समुदाय के नुकसान का कारण बने, तो वैसी मांगों को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ऐसी मांग हो जो संविधान के दायरे में हो या दूसरे समुदाय का नुकसान न पहुंचाती हो, तो वैसे समुदाय के मांग को मानना आसान है। आपने अभी ऊपर देखा कि किस प्रकार 70 के दशक के पहले राजनीतिक स्वरूप 80 और 90 के दशक में राजनीतिक परिदृश्य में बदला हुआ है, और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बना हुआ है। इसके विपरीत यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। फलतः यूगोस्लाविया टूट गया और टुकड़े मट गया। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि कौन सा देश सामुदायिक मांगों के आधार पर अलग अलग टुकड़ों में बट गया, तो आपका उत्तर है यूगोस्लाविया होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्टर क्या है? सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। कैसे? यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। अगर भारत में पिछड़ों एवं दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती, तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता, ध्यान रखेंगे। अगर भारत में दलितों पिछड़ों के न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रहती, तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदार बनाया सरकार ने, लेकिन सरकार ने इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाया, इनको देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि भारत में आज अन्य देशों की तुलना में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है। फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। पुनः बेल्जियम में भी सभी समुदायों के हितों को सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। बेल्जियम में अभी आपको बताया था, इसके पहले के वीडियो में बेल्जियम के बारे में चर्चा करते समय मैंने बताया था आपको कि बेल्जियम में कैसे सभी समुदायों के लिए सामुदायिक सरकार बनाई गई थी ब्रुसेल्स में, और कैसे हर समुदाय के लोगों को दिया गया वहां प्रतिनिधित्व, और किस तरह वहां पर सामाजिक सामंजस्य अच्छे तरीके से बना लिया गया और कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन वही श्रीलंका की अगर बात की जाए, तो श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिलों के न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जाता रहा है। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अगर राष्ट्रीय एकता के नाम पर दूसरे समुदाय की न्यायपूर्ण मांगों को दबाया जाएगा, जैसा कि श्रीलंका में हुआ, तब देश बिखराव की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन
अगर उनके न्यायपूर्ण मांगों को सही ढंग से डील किया जाए, सही ढंग से उनको समझा जाए, तो देश का विभाजन नहीं हो पाएगा और देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहेगी। लोकतंत्र में समाज विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों के व्यक्ति में ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है, यानी कि लोकतंत्र में जो सामाजिक विभाजन है उसकी राजनीति का अभिव्यक्तिकरण एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। और राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों के व्यक्ति से ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। इस बात को समझना होगा, कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। अगर सामाजिक विभाजन उग्र हो जाए, अगर सामाजिक विभाजन इस हद तक उग्र हो जाए कि एक दूसरे समुदाय के विरोध में खड़ा हो जाए, वैसी स्थिति में उसको एकोमोडेट करना, उसमें सामंजस्य बनाना आसान नहीं रहता। और अगर सभी सामाजिक समुदाय की न्यायपूर्ण और यथोचित मांग को स्वीकार कर लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा कि कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाएगा और इस तरह यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। यही विधि पूर्वक तरीके से जो मांग होती है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जो लोग अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाना आसान होता है। इस तरह देश की एकता और देश की अखंडता सुरक्षित रहती है। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि सामाजिक विभाजन में ऐसे कौन कौन फैक्टर्स हैं जो सामाजिक विभाजन को निर्धारित करते हैं और कैसे सामाजिक विभाजन का शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम अगर उपयोग करते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत करने में हम सक्षम हो जाएंगे। आगे और भी इसमें कई पेजेस बाकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप इतना समझ लें। अगले वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें ताकि अगला वीडियो भी हम बनाएं तो आप लोगों के उपयोग के लिए उसको ध्यान में रखते हुए बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।